नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक खबर। मैं मेहरोज आपके साथ। आपको बताती चलूं कि विकासखंड हरक के ग्राम हरक में ही प्राथमिक शिक्षा का हाल जानने जब संवाददाता पहुंचा तो वहां पर 3 सहायक अध्यापकों के साथ साथ शिक्षा मित्र भी मौजूद मिले और साथ ही साथ शिक्षक कार्य ठीक ठाक चल रहा था। रसोइया भी मौके पर मौजूद मिले। उन्होंने कहा मीनू के हिसाब से भोजन बनाया जाता है और साथ ही साथ अध्यापिका संजय वर्मा ने नेहा गुप्ता, शोभना सिंह, शिक्षा मित्र शिवमणी देवी, पद्मा वर्मा, गायत्री देवी मौजूद रहे और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की वजह से सरकार की मंशा पूरी हो रही है। और आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट में और समझते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आज की तारीख में जो है सभी शिक्षा मित्र और सभी अध्यापक मौजूद हैं। ठीक, सब अच्छे समय से आते हैं, सब अच्छे रुचि से पढ़ाते हैं, सब नहीं, ये तो पढ़ाई तो हम देखिए बढ़िया हो रही है। ये रसोई घर है और मीनू के हिसाब से मीनू लगा हुआ है। आपका नाम क्या है बहन जी? रामेश्वरी। बहन जी आपका क्या नाम है? राजदुलारी। अच्छा, यहाँ पर जो है खाना किस तरीके से बनाती है? खाना किस हिसाब से बनाती है? मीनू के हिसाब से। मीनू के हिसाब से बनाती है? पक्का बताइए ना। ठीक है, वही बनता है ना। धन्यवाद। तो बहन जी यहाँ पर जो है क्या कुछ बच्चों को बुलाने के लिए डेट फिक्स है? किस तरीके किस दिन बच्चे बुलाए जाते हैं? जी हाँ, डेट फिक्स है, सोमवार और गुरुवार को कक्षा 1 और कक्षा 5 बुलाना है, वो भी आधा परसेंट जी जी उसका। और मंगलवार शुक्रवार को कक्षा 2 और कक्षा 4 उसका भी आधा परसेंटेज जी जी। बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 उसका भी आधा परसेंटेज। हाँ, 50% बच्चों की उपस्थिति बुलाए जाते हैं। ठीक ठीक, 100% में 50% बुलाना है। बट बिटिया आप बताइए, आप किस कक्षा में पढ़ती हो? हम पढ़ते हैं 5th में। 5th में, ठीक है। और जो है यहाँ पर मिड डे मील मिलता है? मिड डे मील भोजन खाना मिलता है रोज? जब भी आती है खाना मिलता है। क्या क्या मिलता है? दाल रोटी मीठी। अच्छा, मीनू के साथ मिलता सब। ठीक, अरे कभी दाल रोटी, कभी जो है सब्जी रोटी, कढ़ी रोटी, इस तरीके से मीनू के हिसाब से मिलता है। ठीक है, अब वो अच्छे से पढ़ाई करती हैं? हाँ बेटिया, अच्छे से पढ़ाई क्या करो। ठीक है, बहुत अच्छी। क्या नाम बेटा? तान्या। कहाँ रहती हो? बहुत अच्छी बात। ठीक बेटिया, ओके।